फल बड़ी अच्छा बन गया दोस्तों। और फ्लेवर फ्लेवर लग रहा है चिकन है, वैसे आ रहा है। भाई देखिए, भाई देखिए दोस्तों, गोटा हो चुका है। और ये कटहल जो स्वाद लगेगा खाने में ना, मत पूछिए। तो देख सकते हैं कटहल कितना अच्छा से पका है, ये दिखाते हैं। भाई देखिए, हाथ से पूरा एकदम ऐसे हुआ। तो एक तरीका बताते हैं, जब चाकू में या वैठी में इतना सारा लठा लग जाता ना दोस्तों, तो इसको कैसे साफ करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में मस्त होंगे। तो दोस्तों, सुबह सुबह सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज का रेसिपी होने वाला कुछ खास, तो बने रहिए हमारे वीडियो के पास। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज हमारे सपनों का किचन में बहुत ही जल्दी खाना बन रहा है, मतलब बहुत ही जल्दी। अरे देखिए, हमारे पति देव ने कटहल तोड़ के ला दिया है। हम नहीं गए दोस्तों, क्योंकि ना उधर जाते हैं, मतलब बाहर तरफ ना, और वीडियो शूट करते हैं ना, तो सब कोई घूर घूर के बड़ी देखता है और पूछने लगता है, बहुत तरह का सवाल होता है, क्या ही बोले दोस्तों। तभी कटहल हम बोल दें कि हम नहीं जाएंगे, आप ही तोड़ के ले आइए, उधर वीडियो नहीं बनाएंगे, किचन से ही वीडियो शुरू कर लेंगे। तो निकल कहाँ रहा जी? ये लो, निकालो। नहीं बोला कितना लट्ठा है, कहाँ निकल रहा है? निकालो। हाँ, निकल गया। ये दूसरा पेड़ का है, ये दूसरा पेड़ का, दोनों अलग अलग पेड़ का। तो दोस्तों देख सकते हैं, दो को खूबसूरत खूबसूरत सा कटहल लेके आए हैं दोस्तों। और इस वाला कटहल में हमको लग रहा है पक्का, मतलब जैसे होता ना छिलका टाइप हो गया होगा अंदर। अभी कट करते हैं, दिखाएंगे। रखो रखो रखो, नीचे रखो, पूरा और पड़ गया। यहाँ पूरा लट होने लगेगा दोस्तों। हम भी हाथ में लगा रहे हैं सरसों तेल, क्योंकि सरसों तेल तो बहुत जरूरी है। ये जो रहता है ना, इसका क्या बोलते हैं, लट्ठा बड़ी खराब हो जाता है, एकदम पूरा लग जाएगा चिपचिपा टाइप में हाथ में। इसको भी कट करेंगे, बड़ी लट्ठा, बड़ी दिक्कत लगता है कट करते हुए। बहुत ज्यादा लट्ठा है। भाई देखिए दोस्तों, गोटा हो चुका है। और ये कटहल जो स्वाद लगेगा खाने में ना, मत पूछिए। जब चोकला हो जाता है तो बड़ी टेस्टी लगता है। ऐसे तो हम बहुत बार बना चुके हैं कटहल दोस्तों, लेकिन इस बार बनाएंगे सो अलग लगेगा खाने में, बहुत टेस्टी। जब ये चोकला हो जाता है ना, तब बड़ी अच्छा लगता है खाने में। देखिए इसका कितना ज़्यादा लट्ठा निकल रहा है ना, लट्ठा परेशान कर देगा छीलते छीलते। देखिए इस तरह से पोंछ देते हैं बार बार, ताकि थोड़ा कम लगे। छोटा छोटा पीसेस में कट करते हैं दोस्तों, देखिए इस तरह से, ताकि छीलने में थोड़ा आसानी हो। ये लट्ठा निकलते ही रहेगा, बड़ी परेशान करेगा। तब छीलते हैं दोस्तों इस तरह से। है देखिए कितना मस्त छिला रहा है। तो दोस्तों ये वाला छिलका है ना, बचा के रखेंगे, अभी नीचे में बड़ी गंदा है, लग जाएगा। हमारे घर में बहुत सारी बकरियां हैं, खा जाएगी छिलका दोस्तों। तो छिलका को बचा के बकरी का भी ध्यान रखते हैं दोस्तों, उसका भी भूखा पेट रहता है, तो हम लोग के साथ साथ उसका भी चारा बन जाता है कटहल में दोस्तों। ये छिलका निकाल देंगे और इसका हड्डी भी निकाल देंगे, बकरी बड़ी अच्छा खाएगी, इसीलिए बचा के रख रहे हैं इसको। गंदा लग जाएगा तो नहीं खाएगी, क्योंकि इसका लट्ठा के साथ ना ज़्यादा गंदा पकड़ेगा, इसीलिए रख रहे हैं थोड़ा सुरक्षित में। इसी तरह से भी छीलते हैं दोस्तों, थोड़ा टाइम लग जाएगा कटहल छीलते हुए, बड़ी मुश्किल लगेगा, ताकत भी लगेगा, अरे लट्ठा परेशान करेगा सो अलग ही। देखिए कितना तेल लगाए, लेकिन चिप 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 करते रहेगा, बाद में फिर तेल लगा के छुड़ाना पड़ेगा। इसका हड्डी भी निकाल देते हैं इस तरह से। देखिए ये हड्डी भी बकरी खाने लायक हो गया है, छोटा छोटा कर देंगे इस तरह से, तो खा जाएगी बकरी, बड़ी जोर खाती है। तो छीलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये दशा बिगड़ गया पूरा इस कटहल का,
हाँ मम्मी इसमें हर हालत खराब करने वाला है। सबसे ज्यादा परेशानी लट्ठा में करता है, बड़ी दिक्कत है एकदम, पूरा लग गया देखिए। गोंद है, गोंद कैसे निकल रहा देखिए, पूरा चिप 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 गंदा लग रहा है। इसमें कुछ ज्यादा ही नहीं निकल रहा है कटहल में, बच्चा है इसलिए बहुत ज्यादा निकल रहा है पहली बार। लेकिन हम देखते हैं हर कटहल में हर साल जितना बड़ा है तो होता ना उतना ज्यादा। इसका कटहल को छील लिए हैं और बकरी को दे दिए हैं उसका छिलका खाने के लिए। और जब तक हम कटहल छील रहे हैं हमारा पतिदेव ने चूल्हा जला दिया, देख सकते हैं दोस्तों, और धुआं कर रहा है उधर, इसलिए इस साइड में आ गए हैं। तभी इतना सारा कटहल कट कर लिए थे दोस्तों, ये चूल्हा जला रहा था तब तक, तभी हम कटहल को कट कर लेते हैं पीसेस में। और अभी इतना अच्छा कटहल लग रहा है ना दोस्तों, खाने में भी टेस्ट लगेगा और मतलब कट करने में भी आसानी लग रहा है, थोड़ा सा चुकला हो गया तो। ये देख सकते हैं इतना सारा कटहल को अभी कट कर लिए हैं। अरे भगवान नीचे गिर गया, एक ये लट्ठा है ना बड़ी परेशान करता है, लेकिन बैठी में कैसे लग गया है, इसको भी छुड़ाते हैं। दोस्तों आप लोग को एक तरीका बताते हैं, जब चाकू में या वैठी में इतना सारा लट्ठा लग जाता ना दोस्तों, तो इसको कैसे साफ करते हैं अभी बताते हैं। तो देखिए अभी चूल्हा में डाल रहे हैं इसको, देसी जुगाड़, देसी जुगाड़ हम लोग ऐसे ही साफ करते हैं। देखिए दोनों साइड से इस तरह से अच्छा से सेकेंगे, इस तरह से छूट रहा बबल सारा एकदम। अब इसको साफ करते हैं, देखिए अच्छा से गर्म हो गया है, अब देखिए तुरंत छूट जाएगा। ये देखिए कितना आसानी से छूट रहा है, देखिए जब गर्म करके छुड़ाते हैं ना बड़ी आसानी से छूट जाता, देखिए कितना साफ़ हो गया कितना जल्दी। पूछ देंगे दोस्तों कपड़ा से ताकि हमारा बैठे एकदम बिल्कुल साफ हो जाए पहले जैसा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए। तो इधर देखिए दोस्तों पानी दे दिए हैं गर्म होने के लिए है, हम पानी में डालेंगे थोड़ा सा हल्दी स्वाद अनुसार, थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। तो दोस्तों हम लोग कटहल को ना अभी बिल्कुल भी नहीं देंगे, इस पानी को पूरा एकदम उबाल आने देंगे थोड़ा सा, उसके बाद ही हम लोग कटहल डालेंगे। चूल्हा में लगाते हुए गोईठा, दोस्तों पानी में देखिए पूरा उबाल आ गया है दोस्तों, अब कटहल को डालेंगे दोस्तों। और पानी में उबाल आने के बाद इसलिए कटहल डालते हैं दोस्तों ताकि जल्दी पकेगा, वैसे ठंडा पानी में डाल देंगे ना तो कटहल जल्दी से नहीं पकेगा। ढक के इसको पकने देते हैं, अच्छा से पकेगा तभी कटहल अच्छा से लगेगा। तभी जब तक पक रहा मसाला पीसते हैं तब तक। तो दोस्तों ये लोग को ना बाड़ी में बांध दिए थे बड़ा सा सब्बल गाड़ के, चरने गया था भाई भूख मतलब बास गया था। देखिए लड़ाई बड़ी करता है दोनों आपस में, तो कटहल का जो छिलका भी रखे ना वो वाला खाने दे देंगे, खाएगा बकरी लोग खा रही है और पानी पिएगा, उधर बांध देंगे। अब नहीं चरेगा, धूप हो गया थोड़ा और लड़ाई भी करना शुरू कर दी, पेट भरता तो लड़ाई करता। दोस्तों अभी मसाला पीसते हैं, ये देखिए मसाला में लिए मिर्ची लहसुन गोलकी जीरा सिलबट्टा हिल रहा है जी, तो मसाला पिसा हुआ हो गया दोस्तों, उठा लेते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं बाड़ी पे और देखिए कितना प्याज एकदम हो चुका है दोस्तों, इसको दिए हैं थोड़ा मतलब होगा थोड़ा दिन ना तो रहेगा मिट्टी के अंदर थोड़ा दिन तक, तो खराब नहीं होगा ज़्यादा मतलब जल्दी प्याज दोस्तों, इसीलिए छोड़ दिए हैं। अभी पानी नहीं दे रहे हैं आप, सूखने लिए छोड़ दिए हैं। तब यहाँ से प्याज लेते हैं, देखिए उनका घर का प्याज कितना बड़ा बड़ा हुआ है, देखिए हाँ देखिए कितना सुंदर सुंदर प्याज है। तो इतने लेंगे दोस्तों, तीन को लिए हैं हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों घर का प्याज देखिए कितना सुंदर होता है, देखिए कितना बढ़िया है दोस्तों, और बड़ी अच्छा लगता है। हम लोग प्याज और भात बड़ी खाते हैं, अभी मतलब गर्मी का मौसम आ गया ना तो हम लोग पानी वाला भात पानी डाल के चावल में शाम को 4 बजे, और प्याज लेके
और हम लोग बड़ी खाते हैं घर का प्याज, उससे क्या होता है ना, लुक नहीं लगता है प्याज खाने से। तो दोस्तों कच्छल उबल गया है और बड़ी अच्छा पका है दोस्तों। अब देखिए कितना अच्छा पका है दोस्तों, अच्छा पक गया है। जब इसका थोड़ा हो जाता है ना छिलका तो बड़ी अच्छा लगता है खाने में भी और बनाने में भी। तो इसको निकालते हैं थाली में, पानी रह गया थोड़ा सा। तो यही कढ़ाई में भी मसाला को फ्राई करते हैं, क्योंकि हमने कुछ भी मसाला नहीं दिए थे, कटहल में सिर्फ नमक और हल्दी दिए थे। तभी मसाला बनाते हैं ग्रेवी, तभी तेल डाल देते हैं। तो तेल गरम हो गया है और ये है खड़ा मसाला, मतलब गरम मसाला। गरम मसाला डाल देते हैं, दो तीन गो तेज पत्ता और दो गो इलायची दोस्तों, सूखा हुआ लाल मिर्च, थोड़ा सा हींग दोस्तों। कटहल में हींग का जो फ्लेवर आएगा ना बड़ी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा हींग भी दे दिए हैं दोस्तों। अब पारी आता है प्याज फ्राई करने के लिए। तो हम लोग इतना सारा प्याज डाल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि घर का प्याज है तो हम लोग प्याज में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अभी खा लेते हैं हम लोग जी भर के। प्याज डालेंगे कटहल में ना तो बड़ी अच्छा लगेगा। तो सारा मसाला को प्याज को अच्छा से फ्राई करते हैं दोस्तों। तो प्याज फ्राई करते करते थोड़ा लेट लग गया, बहुत लेट दोस्तों, क्योंकि घर का प्याज है ना पानी छोड़ता है एकदम। जितना मसाला पीसे थे सारा मसाला को डाल देते हैं। अब मसाला को भी थोड़ा देर भूनते हैं दोस्तों। मसाला के साथ साथ टमाटर दे देते हैं दोस्तों, घर का ही टमाटर है, तोड़ के लाए थे, सार को दे देते हैं। गल जाएगा ऐसे ही डाल दिए हैं। देखो मसाला फ्राई होगा, टमाटर भी गल जाएगा। मसाला कितना अच्छा से भुंजा गया है, देखिए टमाटर बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ऐसे एकदम पूरा गल गया है टमाटर, देख सकते हैं। तो मसाला अच्छा से फ्राई कर लिए हैं बढ़िया से दोस्तों। सारा कटहल को डालते हैं, कटहल डाल के भी हम लोग अभी 5 मिनट तक पकाएंगे दोस्तों, ताकि कटहल में अच्छा से मिक्स हो जाए मसाला। कटहल बन चुका है, हम सुबह सुबह चावल बना लिए थे दोस्तों घर पे, तभी खा के बताएं टेस्ट कैसा बना है। देखिए कटहल बड़ी अच्छा बन गया दोस्तों, और फ्लेवर लग रहा है चिकन है वैसे आ रहा है। अरे देखिए, और ग्रेवी भी है दोस्तों अंदर में, देखिए हल्का ग्रेवी भी रखे हैं। मुँह से पानी आ रहा है दोस्तों, एकदम फ्लेवर इतना अच्छा आ रहा है ना, लग रहा जैसे मतलब चिकन है वैसे फ्लेवर आ रहा है। तभी खाते हैं दोस्तों, देखिए गर्मा गर्म कटहल लेते हैं। तो देख सकते हैं कटहल कितना अच्छा से पका है, दिखाते हैं। आई देखिए हाथ से पूरा एकदम ऐसे हो रहा है, बड़ी गर्दा पड़ रहा है दोस्तों। बाप रे बाप, कैसे खाएंगे पता नहीं, पूरा हवा चल रहा है एकदम। तो अभी खा के टेस्ट बताते हैं दोस्तों। देखिए ग्रेवी कितना सुंदर लग रहा है, ग्रेवी पका है बड़ी अच्छा। चिकन जैसा कटहल खा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा। तो दोस्तों हमारा छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, अभी सीजन बड़ी जोरों शोरों से चल रहा है कटहल का, और इस तरह से बनाइएगा एकदम देसी स्टाइल में, बड़ी अच्छा लग रहा है। हम लोग अभी खाएंगे एक बार, और शाम में पता है चावल में पानी दे देंगे, पानी डाल के फिर कटहल से खाएंगे, बड़े अच्छा लगेगा प्याज लेके।